Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कराची में चाकू का वार, गुलिस्ताने जौहर के बाद गुलशने इकबाल की खवातीन भी बन गई शिकार। जुनूनी हमला आवर ने मजीद पांच खवातीन को जख्मी कर दिया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज को मौसूल। गुलशन इकबाल के थानों में मुकदमा भी दर्ज। क्या मुलजिम ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है जो पुलिस को नजर नहीं आता? जल्द गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश की जाए, वजीर आला सिंध की हिदायत। अब तक इसका कोई क्लू नहीं मिला की ये कौन लोग हैं जो आते हैं और सिर्फ औरतों, बेटियों और बहनों को छुरियों से वार करके जख्मी कर देते हैं। एक प्रोटेस्ट का इनकाद किया है जौहर मोड़ पर, गुलिस्ताने जौहर। कराची में खवातीन पर हमलों के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान का जौहर मोड़ पर एहतजाज का ऐलान। फारूक सत्तार ने कहा, शहर में खौफ और हरास की फजा है, इंतजामिया हमारी बेटियों को तहफ्फुज नहीं दे सकती तो एतराफ करे। Pakistan relation, it's very Pakistan relationship and the US relationship is extraordinarily important regionally. अमरीका का हुकूमत पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर इजहार तशवीश। रेक्स टिलरसन कहते हैं, अमरीका पाकिस्तान में मुस्तहकम और पुरअमन हुकूमत चाहता है। पाकिस्तान के इशूज अमरीका के इशूज हैं। We have concerns about the future of Pakistan's government too. In terms of them, we want their government to be stable. We want it to be peaceful. And many of the same issues they're struggling with inside of Pakistan are our issues. अमेरिकी महकमा खारजा अपने वजीर खारजा के बयान से हिला इल्म। नहीं मालूम कि रेक्स टिलरसन ने पाकिस्तानी हुकूमत के मुस्तकबिल पर खदशात क्यों जाहिर किए? तर्जुमान महकमा खारजा का मौक़िफ़। साबिक अफगान सदर हामिद करजाई ने डोनाल्ड ट्रंप की नई पॉलिसी को खून रेजी करार दे दिया। कहते हैं, ट्रंप की सियासत खित्ते के खिलाफ साजिश है। अफगान क़यादत ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन होना चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर ड्यूटी पर मामूर एहलकार वापस क्यों गए? वजीर दाखला एहसन इकबाल ने डीजी रेंजर से वजाहत तलब कर ली। किस बुनियाद पर रेंजर्स ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी छोड़ी? हसास तरीन इमारत की सिक्योरिटी किस तरह छोड़ी जा सकती है? जिम्मेदारों का तायुन करके महकमाना कार्रवाई की जाए, वजीर दाखला का हुक्म। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन रवाना, अहलिया कुलसूम नवाज की अयादत करेंगे। नवाज शरीफ की टिकट पर वापसी की तारीख 4 जनवरी दर्ज। क्वेटा में कांगो से मुतासरा एक और मरीज दम तोड़ गया। 50 साल शख्स अस्पताल में जेर इलाज था, जहां भाग अफराद की तादाद 5 हो गई। दाइश नेटवर्क का अहम मुलजिम खलील उर रहमान कराची की सिटी कोर्ट में पेश। मुलजिम का कराची और अंदरून सिंध में नेटवर्क का इंकशाफ, मजीद साथियों के मुलविस होने का भी एतराफ। मुलजिम 7 रोजा रिमांड पर एफआईए के हवाले। खलील उर रहमान को कैंट स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। अफगान शहरियों को उनके मुल्क वापस ना भेजें। अफगानिस्तान में कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो शहरियों के लिए महफूज हो। इंसानी हकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का यूरोपीय यूनियन से मुतालबा। कहा, अफगान शहरी दहशतगर्दी से खौफजदा हैं। लास वेगस कॉन्सर्ट पर हमला क्यों हुआ? स्टीफन ने शहरियों को निशाना क्यों बनाया? FBI ताहाल हमले की असल वजह मालूम नहीं कर सकी। हमला आवर की गर्लफ्रेंड का बयान भी रिकॉर्ड। डेनले ने कहा कि कॉन्सर्ट में कत्लेआम की मंसूबा बंदी से ला इल्म थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लास वेगस का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात।
समंदरी तूफान अरमा के मुतासरीन की इमदाद के लिए कॉन्सर्ट, 5 साबिक अमरीकी सदूर फंडरेजिंग के लिए मैदान में आ गए। बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, जिमी कार्टर और जॉर्ज एच डब्ल्यू शिरकत करेंगे। कॉन्सर्ट 21 अक्टूबर को टेक्सास यूनिवर्सिटी में होगा। रोहिंग्या मुसलमान दोहरे अजाब का शिकार, स्मगलर्स की आमद का खदशा। बांग्लादेश ने रोहिंग्या मुसलमानों को लाने वाली 20 कश्तियां जला दी। पनाह गुजीनों की आड़ में मुल्क में मनशियात स्मगल की जा रही थी। बांग्लादेशी हुकाम का मौकिफ, सैकड़ों बेगुनाह बेघर पनाह गुजीन फंस गए। दुनिया भर में आज असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। वालिदैन बच्चों की परवरिश और असातिज़ा ज़हनी परवरिश करके उन्हें मुस्तकबिल का कारामद शहरी बनाते हैं। इन अजीम हस्तियों को सलाम। टीचर्स डे पर हाफिज़ाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद।